हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई है और इसी वायरस को मात देने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है और उस वैक्सीन के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी वैक्सीनेशन के दौरान कई सारी खबरें हैं, कई सारी अपडेट्स हैं। इसी के साथ ही चीन और हमारे देश का सीमा विवाद वो एक बार फिर से चर्चाओं में है और एक बड़ी झड़प सामने आई है जो कि सिक्किम में हुई है। इसके अलावा किसान आंदोलन भी अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है, जहां पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। तो साथ ही में किसान ने अपील की है पीएम नरेंद्र मोदी की मां से, और इस तरीके की और भी कई सारी खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। पर चलिए दोस्तों, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। न्यू फार्म लॉ को लेकर किसान ने पीएम मोदी की मां को लिखा इमोशनल लेटर की ये अपील। चीन को हजम नहीं हो रही भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी, कोविशील्ड के बारे में फैला रहा झूठ। कोरोना से ठीक हुए मरीजों का प्रतिरक्षा तंत्र नए स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर, नए अध्ययन में खुलासा। केंद्र शुरू कर रहा नई सुविधा, आधार की तरह अब वोटिंग आईडी कार्ड भी होगा डाउनलोड। आज शुरू होगा ई एपिक कार्यक्रम। 31 जनवरी तक खरीदेंगे गैस सिलेंडर तो मिलेगा ये ऑफर, पढ़ें पूरी जानकारी। न्यू कार पॉलिसी, नई कार खरीदने जा रहे हैं तो ठहरिए, जाने क्या बदलने वाले हैं नियम। डीआरडीओ रिक्रूटमेंट, डिप्लोमा और आईटीआई अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्तियां, ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर बाद में इसे लाइक शेयर करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही है जो हमें मोटिवेट करता है बेहतरीन काम करने के लिए। तो इस प्यार और सपोर्ट को यूं ही बरकरार रखिए। अब चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,67,736 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,203 नए मामले सामने आए। रविवार को 13,298 लोग रिकवर हुए, जबकि इस दौरान 131 मरीजों ने इस वायरस के खिलाफ अपनी जान दी। कोरोना से अब तक 1,03,30,084 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 1,53,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,84,182 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारों किसानों के साथ दिल्ली में महीने भर से अधिक समय से आंदोलन कर रहे पंजाब के एक किसान ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को एक बहुत ही भावनात्मक पत्र लिखा। किसान ने पत्र लिखकर मां हीराबेन से अपील की है कि वो अपने बेटे पीएम मोदी को तीनों केंद्रीय कृषि कानून निरस्त करने के लिए कहें, जिनके विरोध में देश भर में एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। किसान ने उम्मीद जताई है कि पीएम को अपना मन बदलने के लिए तैयार करने में मां हीराबेन अपनी पूरी ताकत लगा देंगी। इसमें कड़ाके की ठंड के बीच विरोध करने के लिए किसानों की मजबूरी, किसानों के खिलाफ देश भर के किसानों की मांग, देश में भूख मिटाने से लेकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में किसानों का योगदान जैसी बातों का जिक्र है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस के दिए रूट से खुश नहीं किसान नेता, बोले अधिकतर हिस्सा हरियाणा में। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने सशर्त इसे इजाजत दी, लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सभारा का कहना है, जिस तरह से हमें ट्रैक्टर रैली की परमिशन दी गई है वो सही नहीं है। हम पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन हमें शर्तों के साथ कुछ ही हिस्से में जाने की इजाजत दी गई, वो भी जो कि हरियाणा के अंदर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी लद्दाख के लगते वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर जारी वार्ता के बीच बड़ी खबर सामने आई। ताजा जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC पर हुई झड़प के PLA के 20 सैनिक घायल हुए। सिक्किम के नकुला में झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा मुंहतोड़ जवाब देने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। बता दें कि लद्दाख से लगते LAC पर मई के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। दोनों देशों के 50,000 सैनिक पूर्वी लद्दाख में तैनात हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
देश में कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अपने पड़ोसी देशों की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने करीब 10 पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत की इस कामयाबी को चीन सहन नहीं कर पा रहा है, लिहाजा चीन मेड इन इंडिया वैक्सीन कोविशील्ड का दुष्प्रचार करने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है, सीरम ने कोविशील्ड को लेकर ब्रीजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से ठीक होने के बाद विकसित हुई एंटीबॉडी कितने समय तक दोबारा संक्रमण से बचाएगी, इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब एक नए अध्ययन में ये सामने आया कि कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके लोग कम से कम 6 महीने या उससे भी ज्यादा वक्त तक दोबारा संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं। अध्ययन के अनुसार संक्रमित होने के बाद लंबे समय तक प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है और ये वायरस के अन्य स्वरूपों यानी कि स्ट्रेन जैसे कि दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को भी रोक सकता है। इसमें कहा गया है कि एंटीबॉडी का निर्माण प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो बाद में विकसित होती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं। और आप चाहते हैं कि आप तक हर खबर लगातार पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाएं। अब चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अप्रेंटिस के पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया। इच्छुक और उम्मीदवार इन पदों के लिए DRDO की आधिकारिक वेबसाइट drdo.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तिथि 24 जनवरी 2021 से है तो वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2021 है। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म भरकर उसे डाउनलोड करना होगा और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी लगाकर ईमेल के माध्यम से नीचे बताए गए पते पर भेजना होगा। एप्लीकेशन भेजने के लिए ईमेल एड्रेस director@pxc.drdo.in का प्रयोग करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार लगातार दूसरा दिन रहा जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा। आज दिल्ली में पेट्रोल 85.70 और डीजल 75.88, मुंबई में पेट्रोल 92.28 और डीजल 82.66, कोलकाता में पेट्रोल 87.11 और डीजल 79.48, चेन्नई में पेट्रोल 88.29 और डीजल 81.84 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप नई कार खरीदने जा रहे हैं तो जरा इस खबर को ध्यान से सुन ले, क्योंकि कार खरीदने के बाद उसके पेमेंट का तरीका बदलने जा रहा है। मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर MISP गाइडलाइंस को रिव्यू करने वाली कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि नई कार खरीदने पर गाड़ी के लिए पेमेंट अलग चेक से करना होगा और इंश्योरेंस प्रीमियम अलग चेक से दिया जाएगा। पैनल का कहना है कि जब ग्राहक ऑटोमोटिव डीलर से नई कार खरीदता है और पूरा पेमेंट एक ही चेक से करता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम की कीमत को लेकर पारदर्शिता में कमी दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने ज्यादातर विभागों के कामकाज को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील कर दिया। इसी कड़ी में अब देश का हर मतदाता अपना पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र जारी कर रहा है। आसान शब्दों में समझें तो अब आप आधार कार्ड की तरह अपने मतदाता पहचान पत्र को भी ऑनलाइन डाउनलोड कर डिजिटल संस्करण हासिल कर पाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 25 जनवरी 2021 यानी कि आज मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेटीएम अपने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की पहली बुकिंग करने वाले कस्टमर को 700 रुपए का कैश बैक दिया जा रहा है। यूजर्स पेटीएम की इस योजना को लेकर काफी एक्साइटेड है। बताया जा रहा है कि 700 रुपए का कैश बैक यानी कि एक सिलेंडर भराने के दाम के बराबर ही है। लखनऊ में गैस सिलेंडर की कीमत 732 रुपए प्रति 14.2 किलो है, वहीं वाराणसी में इसकी कीमत 754.50 रुपए। आपको बता दें कि ऑफर सिर्फ और सिर्फ 31 जनवरी तक ही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
खबरों का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड देन बेल आइकन को दबाना है, उसके बाद आप तक सारे नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखा है तो अपने विचार इन खबरों के बारे में हमसे साझा करें, साथ ही अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।